बचपन में वर्णमाला सीखने की ऐसी लगन थी उसके भीतर कि वह अपने उंगलियों को कलम बना लेती और ज़मीन को कागज। इतनी अलंकार प्रिय थी कि बबूल के फूलों को मोड़कर कलाइयों में कंगन की तरह डाल लेती, महुए के फूलों को गूंथकर मटर माला पहनती, भुने चने को छीलकर सोने के लॉकेट की तरह पहनने के बारे में सोचती। वह पहली सांस में लहर, दूसरी में भंवर और तीसरे में आवर्त बन जाती। लोग उसे चावल की तरह टोना चाहते, लेकिन वह धान के आवरण की तरह अनुभूति कराती। जो उसे कमल का फूल समझकर पकड़ना चाहता, मंगूर मछली की तरह डंक मारकर उसके हाथों से छूट जाते। कैमरे के सामने अक्सर अपना पंजा फैला देती, बोलते बोलते चुप हो जाती और चुप रहते रहते बोलने लगती। मुल्तानी मिट्टी और हल्दी पत्थर के नीचे पिस जाती थी। उसे कांति देने के लिए मुस्कान ने अपने होंठ दिए थे, भिंडियों ने उंगलियां पन, तीसी के फूलों ने नीली नीली बत्तियां। प्रकृति ने उसे अपनी अल्पवयस्क सौतन समझ लिया था। जब वह पहली बार ऋतुमती हुई थी तो जैसे क्षितिज की कोख में सूर्य की भ्रूण हत्या हो गई हो। बड़ा भाई चाहता था कि वह उसके आगे से भुइयां लोट हवा की तरह आगे निकल जाए, जबकि वह मातृहीना एकांत में रोती हुई 2 साल की छोटी बहन के मुंह में खोलकर अपनी छाती डाल देती। छोटी बहन रोती तो वह अपने आंसुओं से चुपचाप जुगलबंदी करती। एकांत रुदन और सामूहिक हंसी में अडिग विश्वास था उसका। अचानक अपना सांचा तोड़ दिया था उसने, जैसे रात भर बात की लौकी या हो गई हो 25 दिसंबर अथवा एकाएक बढ़ गया हो बल्ब का वोल्टेज। लेकिन भ्रमित नहीं की थी इतना कि पूर्णिमा के ज्ञान के लिए आसपास के लोगों को देखना पड़े पंचांग या नक्षत्र शालाओं को उठानी पड़े अपनी दूरबीन। कैरियर में बस्ता दबाकर अपनी खड़ी साइकिल देखती तो विश्राम और तेजी में एक प्रतियोगिता छिड़ जाती। साइकिल की गति पर अपना हाथ फेरती तो साइकिल सूर्यस्व बेदुला या चेतक जैसी सिहर उठती। 12वें किलोमीटर पर पहुंचकर 11वें किलोमीटर के शिलालेख तक पहुंचे समय की प्रतीक्षा कर रही वह। हालांकि बहुत गत्यात्मकता उसे पसंद नहीं, वरना इतनी गति है उसमें कि चलेगी तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। फिलहाल अंडाला, मीरा, लक्ष्मीबाई, उदा देवी, महादेवी, इंदिरा, कल्पना चावला, मायावती इत्यादि बनने से पहले वह साइकिल से स्कूल पहुँचना चाहती है। आकाश की बिजलियों, गिरना तो किसी ठोंठ पर गिरना, भारी वाहन के चालकों, ट्रक दौड़ाते हुए करुणा से भरे रहना, उड़ती हुई चिड़ियों, उसे छाया करते हुए उड़ना, शुभकामना पत्रकारों कि रिजल्ट आने पर मुख्य पृष्ठ पर तुम उसका फोटो छाप सको, हे साइकिल की चैन, उतरना तो बीच में मत उतरना।